हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल। और आज से मैं मेरी पुश पुल लेग सीरीज अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि मैंने खुद ने डिज़ाइन की है, जिसमें आज मैं पुश वन अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं पुश टू अपलोड करूँगा, उसके बाद पुल वन पुल टू। और लेग्स में भी एक दिन हम क्वाड्स और एक दिन हैमस्ट्रिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को पुश पुल लेग्स में कंफ्यूज होता है कि पुश के दिन चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर में कौन सी एक्सरसाइज लगाना है और पुश टू में कौन सी। बहुत सारे लोग सेम ही एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनका मसल ग्रुप या तो छूट जाता है या तो वो ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि पुश वन में जो मसल हमने लगाया है, हम पुश टू में उसको ट्रेन नहीं करेंगे। हम पुश टू में उस मसल को ट्रेन करेंगे जो पुश वन में हमने छोड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे, आज हम अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट को ट्रेन करेंगे, और जो मिडिल चेस्ट और जो फैक्टोरियल माइनर चेस्ट का मसल होता है, जिसको हम फ्लाइज लगाकर ट्रेन करते हैं, उसको हम पुश टू में लेंगे। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से वार्म अप करें, ताकि आपको किसी भी तरीके की इंजरी ना हो। प्लीज़ गाइस, आप वार्म अप को हल्के में ना ले। आपको एक्सरसाइज से पहले कम से कम अपनी बॉडी को 5-8 मिनट्स के लिए वार्म करना है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज लगाने के लिए जाए, उसमें जो भी आपका पहला सेट होता है, उसमें भी आप 1-2 सेट वार्म अप के ले, उसके बाद ही आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। इससे आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेली पुशअप करते हैं तो प्लीज़ डेली पुशअप्स मत करिए। इसको आप चेस्ट डे या पुश डे के दिन ऐड कीजिए, और आपको 30-40 पुशअप्स या फिर 1-2 सेट से ज़्यादा पुशअप्स नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि 100 पुशअप्स लगाने के बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो 100 पुशअप्स लगाने में आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो गई। उसके बाद आप उतना वेट नहीं उठा सकते जितना वेट आप 100 पुशअप्स लगाने के पहले उठा सकते थे। तो प्लीज़ पुशअप्स को मेक श्योर आप सिर्फ वार्म अप के हिसाब से रखिए, ताकि वो आपकी बॉडी को एक हीट दे, ना कि इस तरीके से ले कि वो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी ही ले ले। आपको रोटेटर कप्स को भी अच्छे से वार्म करना है। ये आपकी बॉडी का एक बहुत मेन जॉइंट है, जो कि आपके हैंड्स को शोल्डर से कनेक्ट करता है। तो इसको भी वार्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरी जो होती है वो रोटेटर कफ्स में ही होती है। तो आप मेक श्योर रोटेटर कफ्स को भी वार्म करें। तो बढ़ते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। हम स्मिथ मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी आप बेंच सेट करो, बार को इस तरीके से रख के देख लिया करो, कोई भी एक्सरसाइज हो, ताकि आपको पता चले आपने बेंच ठीक से सेट की है या नहीं। हमारी पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन बारबेल प्रेस। अगर आपके पास स्मिथ मशीन है तो आप स्मिथ मशीन पर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल भी बारबेल इंक्लाइन प्रेस लगा सकते हैं। इसमें आपको 3 सेट करना है, और आपको टेम्पो का पूरा ध्यान रखना है। टेम्पो आपको रखना है जब आप नेगेटिव लोगे, जब 3 सेकेंड का, और जब आप पुश करोगे तब मेक श्योर आप 1 सेकेंड में पुश करने की कोशिश करो। इसमें रेप रेंज 8-10 रहेगी। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको 1 सेट होल्ड मेथड में लगाना है, जिसमें आप ऊपर भी 7 सेकेंड का होल्ड रखोगे और नीचे भी। बारबेल को नीचे लाते टाइम आपको धीरे धीरे बारबेल नीचे लेके आना है, फिर आपको 7 सेकेंड का होल्ड करना है, फिर आपको बारबेल को पुश करना है, फिर 7 सेकेंड का होल्ड करना है। इससे आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा फटीग फील होगा। इस सेट में आपको फेलर तक जाना है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिक्लाइन केबल प्रेस, जिसमें आपको 10-12 रेप्स लगाना है। मैं यहाँ पर क्रॉस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इसको नॉर्मल लगाना है तो आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में भी आपको टेम्पो का पूरा ध्यान रखना है। आपको 3:1 का टेम्पो ध्यान में रखना है। इस पूरी सीरीज में टेम्पो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए टेम्पो का आप अच्छे से ध्यान रखें। इस पूरी सीरीज में हर एक एक्सरसाइज में आप वेट सेम रखेंगे। आपको वेट को ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। आपको ऐसा वेट सिलेक्ट करना है जिसमें आप
एक ही वेट में 8 से 10 रेप तीनों सेट में निकाल पाए, या फिर अगर आप 1RM टेक्निक जानते हैं तो उससे आप ऐसा वेट निकालिए जिससे आपके 8 रेप निकल पाए, वो सबसे बेस्ट टेक्निक है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस, जिसमें आप मशीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जिम में मशीन ना हो तो इसकी जगह आप डंबल शोल्डर प्रेस लगा सकते हैं। हम बहुत टाइम से डंबल शोल्डर प्रेस लगा रहे थे, इसलिए माइंड को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी जिम में मशीन नहीं है तो आप बिल्कुल शोल्डर प्रेस लगा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेटरल रेज, जो कि शोल्डर के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये शोल्डर के मिड पार्ट को ट्रेन करती है और इसको भी आपको बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में लगाना है, और इसके आप 12 से 15 रेप लगाएंगे। आपको वेट कम रखना है, आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। ये एक्सरसाइज जितनी अच्छे से आप परफॉर्म करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से ये आपको रिजल्ट ला कर देगी। अगर आप इसको बैठ कर परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, बस आपको सही फॉर्म से लगाना है। इसमें फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको गलत परफॉर्म करते हैं, वो वेट को रिस्ट से उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि रिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको जो वेट उठाना है वो एल्बो से उठाना है। इसमें भी टेम्पो 3:1 का रहेगा। यहाँ पर हमारा चेस्ट और शोल्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं ट्राइसेप की ओर, जिसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है केबल पुश डाउन विथ रोप। इसको भी आपको एकदम कंट्रोल फॉर्म में लगाना है और नीचे 1 सेकेंड का होल्ड रखना है। कोई भी एक्सरसाइज लगाने में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, और मेक श्योर आप मसल माइंड कनेक्शन बनाए। जब आप कोई भी एक्सरसाइज लगाए तब आपको माइंड में फील होना चाहिए कि जो मसल में ट्रेन कर रहा हूँ उसमें मुझे फटीग महसूस हो रहा है। इसमें जो आपको रेप रेंज रखना है वो 8-10 के बीच रहेगी। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्कल क्रशर, जो कि मैं डंबल से परफॉर्म कर रहा हूँ। हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण मैं इसको जिगजैग से परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप डंबल से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बार ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से बार का ही यूज़ कर रहे हैं स्कल क्रशर के लिए, तो आप अपने माइंड को कंफ्यूज करने के लिए डंबल का यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम आपके लॉन्ग हेड पे ही ज़्यादा फोकस करेगा। जब आप बार का यूज़ करो तब आपको इस तरीके से ही एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ताकि आपके ट्राइसेप्स पे ज़्यादा लोड आ सके। ये एक बेस्ट तरीका है अपने ट्राइसेप पर ज़्यादा टेंशन बनाने का, जो कि आपको एक बेटर रिजल्ट ला के देगा, इसकी 100% गारंटी है। इसमें भी आपको रेप रेंज 8-10 के बीच रखना है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स, जिसके आपको 2 सेट्स लगाना है। आपको पुशअप्स फेलर तक लगाना है। जब तक आप पूरा फेलर महसूस ना करें तब तक आपको पुशअप्स लगाना है। जब आप फेलर महसूस करेंगे तब आपका 1 सेट कंप्लीट होगा, और पूरे सेट्स के बीच में आपको 2 मिनट का रेस्ट रखना है हर 1 सेट के बीच में। तो गाइज, ये था हमारा पुश 1। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं पुश 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इसके आगे भी मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए लाता रहूँगा, और साथ में आपको मैं इसमें एक फ्री डाइट प्लान दूंगा, किस तरीके से आप एक सस्टेनेबल डाइट प्लान डिज़ाइन करके चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी डाइट को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।